मेमोरी पावर सुनने में भले ही सिंपल सा वर्ड लगता है, लेकिन ये किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। जब हम किसी को अपनी बात बताना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले उस बात को अपने माइंड में सोचते हैं, जिसे एनकोड करना या तैयार करना कहते हैं। इसी तरह जब कोई पर्सन हमें अपनी बात बताता है, तब उसे डीकोड करने या समझने का काम भी हमारा माइंड करता है, और ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ मेमोरी पावर की वजह से। आपने कभी ना कभी अपने दादा दादी या नाना नानी से उनके जमाने की कई कहानियां जरूर सुनी होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने पुराने टाइम की बातें भी उनको कैसे याद होती हैं? तो इसका कारण है उनकी मेमोरी पावर का बहुत ही स्ट्रांग होना। जिस तरह हमारे फोन में मेमोरी कार्ड का काम हमारे डेटा और पर्सनल डिटेल्स को सेफ रखना होता है, ठीक उसी तरह हमारे माइंड में मेमोरी पावर का काम से जुड़े पर्सनल जानकारी और कुछ जरूरी बातों को हमारे माइंड में सेफ रखना। मेमोरी पावर का अच्छा होना आज के टाइम में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि आज ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन नेचर में कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। कई बार लोग अपनी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही भूल जाते हैं, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब लोग ये भी भूल जाते हैं कि उन्होंने पिछली रात क्या खाना खाया था। आजकल तो ऐसा देखने को मिलता है कि लोग अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी को अपने फोन में सेव करके रखते हैं, ताकि सही टाइम आने पर भूल ना जाएं। और इसी वजह से लोगों के साथ कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे वो अपना सब कुछ खो बैठते हैं। इसलिए कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि वो अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को अपने आप तक ही लिमिटेड रखें, लेकिन ये तो तभी हो सकता है जब उनकी मेमोरी पावर अच्छी होगी। मेमोरी पावर से जुड़ी इन्हीं प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन को जानने के लिए हम आपको सुनाने जा रहे हैं अरुण सागर आनंद जी की लिखी हुई किताब इम्प्रूव योर मेमोरी पावर का बुक एक्सप्लेनेशन, जिसे सुनकर आप अपनी मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने के कई तरीके जान सकेंगे। इस बुक में मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई ऐसी साइंटिफिक और योगिक एक्टिविटीज को बताया गया है, जिनकी प्रैक्टिस से मेंटल कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। ये बुक सिर्फ बड़े एज ग्रुप के लिए ना होकर उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्हें अपने एग्जाम टाइम में स्टडी पर फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। इस बुक में स्टूडेंट्स के लिए सक्सेसफुल स्टडी के लिए कई ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं, जिनकी प्रैक्टिस से एक एवरेज स्टूडेंट भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में बदल सकता है। तो मेमोरी पावर को बढ़ाने से पहले ब्रेन को जानना किस तरह हेल्पफुल हो सकता है, आइए जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लॉर्ड डेविन ने कहा है कि ह्यूमन ब्रेन एक पैराशूट के जैसा है, क्योंकि जब तक वो खुला रहता है तब तक ही काम करता है। ब्रेन पर जवाहरलाल नेहरू की भी डेफिनेशन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन एक ऐसी चीज है जो किसी बंधन को नहीं मानती। इसी ब्रेन को डिफाइन करते हुए रेनॉल्ड्स ने कहा है कि ह्यूमन ब्रेन एक बंजर खेत की तरह है, जब तक इसमें कुछ बाहरी ज्ञान रूपी बीज न डाला जाए तब तक इसमें कुछ भी नहीं उग सकता। वास्तव में हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क प्रकृति की अनमोल देन है, ये मनुष्य की शक्तियों का भंडार है, लेकिन किसी को भी ये शक्ति यूं ही नहीं मिल जाती। इसके लिए हमें पहले ये सीखना पड़ता है कि इसका सही यूज कैसे किया जाता है, हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन आइए इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ब्रेन काम कैसे करता है। ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है, ये 8 हड्डियों से बनी एक खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। अगर इसकी बनावट को देखें तो ये अखरोट से मिलता जुलता लगता है, ये ब्राउन या भूरे रंग का होता है। इसके आगे पीछे की लंबाई लगभग 6 इंच और दाएं बाएं की चौड़ाई लगभग 5 इंच होती है। संसार भर के सभी जीवों में ह्यूमन ब्रेन को सबसे विकसित माना जाता है। ब्रेन का लेफ्ट पार्ट बोलने, सोचने और नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए काम करता है, तो वही राइट पार्ट
अज्यूम या कल्पना करने, संगीत, बॉडी लैंग्वेज और टफ कैलकुलेशन के लिए काम करता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हमारी बॉडी के राइट पार्ट को ऑपरेट करता है और हमारे ब्रेन का राइट पार्ट हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को ऑपरेट करता है। इससे जुड़ी खास बात यह है कि असल में दुनिया के 80% लोगों का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, जिसकी वजह से दुनिया के ज्यादातर लोग अपने राइट हैंड से अपने सभी काम करते हैं। यानी कि राइट हैंड से काम करने की वजह से लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहता है और यही रीजन है कि दुनिया में ज्यादातर लोग एक ही तरह से सोचते और काम करते हैं। ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हमें किसी भी काम के लिए ऑर्डर देता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और हमें किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से करने में हेल्प करता है। तो वहीं ब्रेन का राइट पार्ट हमें किसी भी टफ सिचुएशन से लड़ना सिखाता है। इसलिए हमें अपने राइट ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हमारी बॉडी में होने वाले सभी एक्शंस पर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है और सबकॉन्शियस माइंड द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। इन्हें हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर हम ध्यान दें कि हमारी हार्ट बीट को कौन कंट्रोल कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल कर रहा है, बॉडी में ब्रीदिंग स्पीड को कौन कंट्रोल कर रहा है और हमारी आईज को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो हमें समझ आएगा कि ये सारी एक्टिविटीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही की जाती हैं। इसके अलावा खाना पीना, पढ़ना लिखना और कई फिजिकल फंक्शन कॉन्शियस माइंड करता है। मगर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दो तरह के माइंड नहीं, बल्कि एक ही माइंड में होने वाली दो एक्टिविटीज हैं। कॉन्शियस माइंड के कंपेयर में सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल होता है। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, फिर भी ये हमारे डेली लाइफ के कामों पर, हमारे थॉट एंड इमेजिनेशन पावर पर इफेक्ट डालता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। सबकॉन्शियस हमारे जागते टाइम में ही नहीं, बल्कि सोते टाइम में भी लगातार काम करता है, जबकि कॉन्शियस माइंड हमारे अच्छे बुरे के बारे में सोचकर हमें मोटिवेट करता है। इस तरह ये सारे फंक्शंस हमारे ब्रेन से होते हैं और इसलिए अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए हमारा ब्रेन एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम जानते हैं ब्रेन एक्सरसाइजेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन एक्सरसाइज न्यूरोबिक्स के बारे में। देखिए, अगर ब्रेन को एक्टिव न रखा जाए तो ये कमजोर हो जाता है। इससे दिमाग के सोचने समझने की शक्ति तो कम हो ही जाती है, इसके साथ साथ आइडियाज या थॉट्स का आना भी कम हो जाता है, जिससे स्ट्रेस और बोरियत बढ़ने लगती है। इसके अलावा हमारी एज बढ़ने के साथ हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटीज भी घटने लगती है। इन सब को रोकने का एक ही उपाय है, वो है न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज। न्यूरोबिक्स को साइकोलॉजिकल ब्रेन यानी मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क का व्यायाम कहते हैं। जब नए थॉट्स और इमेजिनेशन हमारे ब्रेन में नहीं आते, तब न्यूरोबिक्स का सहारा लेना पड़ता है, ताकि ब्रेन के सभी पार्ट्स अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दें। न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज करने से आप अपने दिमाग में एडजस्टमेंट, अडॉप्शन, लर्निंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और विवेक यानी विजडम जैसी एबिलिटीज में चेंज देख पाएंगे। साइकोलॉजिस्ट्स ने न्यूरोबिक्स के लिए कई तरीके बताए हैं, जो बहुत इजी हैं और डेली रूटीन में शामिल किए जा सकते हैं। इनको अप्लाई करने से आप अपनी ब्रेन कैपेबिलिटीज को ज्यादा एज तक बढ़ा सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर या आंखें बंद करके अपने कमरे में घूमें और वहां रखी चीजों को हाथ से छूकर महसूस करें, या फिर कई तरह के ताले और उनकी चाबियों का गुच्छा सामने रखें और आंखें बंद कर लें। अब ताले को हाथ में लेकर चाबी के गुच्छे में से चाबी ढूंढकर ताले को खोलने की कोशिश करें। आंखें बंद करके ही नहाएं, अपनी बॉडी को पोंछें,
कपड़े बदलें और बाथरूम से निकलने तक अपनी आंखें बंद करके ही रखें। खाने के टाइम थाली आने से पहले आंखें बंद कर लें। थाली सामने आने पर केवल खुशबू से पहचाने कि उसमें क्या क्या रखा है। इसके बाद हाथ लगाकर पहचाने। कैरम, टेनिस, लूडो, शतरंज, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे गेम्स को उल्टे हाथ से खेलने की कोशिश करें। अपने लेफ्ट हैंड से सीखें, अपने लेफ्ट हैंड से लिखें। इसके अलावा जो भी काम हो, जैसे ब्रश करने, शेव करने, सब्जी काटने, मोबाइल फोन पर नंबर डायल करते टाइम लेफ्ट हैंड का यूज करें। पजल सॉल्व करें, शब्द पहेलियां भरें, अंताक्षरी खेलें, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, जनरल नॉलेज के सवाल जवाब में हिस्सा लें, वाद विवाद प्रतियोगिता यानी डिबेट में पार्टिसिपेट करें, घर परिवार के लोगों के साथ इशारे में बातचीत करें। अगर न समझ में आए तो उन्हें इशारों से बार बार समझाने की कोशिश करें। यह दिमाग को तेज करने का काफी अच्छा तरीका है। दो गेंदों को लेकर एक साथ खेलें, दोनों हाथों में गेंद लेकर एक साथ उछालें और फिर उन्हें एक साथ ही पकड़ें। इसे करने में शुरू शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और करने में भी मजा आएगा। ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कोई नई एक्टिविटी, नई हॉबी या फिर नई लैंग्वेज सीखें। उल्टी गिनती गिनें, उल्टे पहाड़े पढ़ें और बुक्स को उल्टा करके पढ़ने की कोशिश करें। किसी की नकल करने की कोशिश करें, जैसे अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर और किसी बड़े सेलिब्रिटी की एक्टिंग करें। पुरानी बातों को याद करें, जैसे पहली बार आइसक्रीम कब खाई थी, पानीपुरी या मोमोज का टेस्ट पहली बार कब जाना था, घूमने के लिए पहली बार कहां गए थे और वहां आपने क्या क्या किया था। इस तरह इस बुक में न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज के स्टेप्स बताते हुए कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह भी दी गई है। जैसे आप न्यूरोबिक्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग उतना ही तेज होगा। न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज की प्रैक्टिस में जल्दबाजी न करें। इनसे आपको तभी फायदा होगा जब आप इन्हें रेगुलर टाइमिंग पर करेंगे। वास्तव में न्यूरोबिक्स में परफेक्ट होने के लिए पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। ब्रेन की लिमिट तक पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगता है, इसलिए सिर्फ एक दो बार ट्राई करने पर ही परेशान न हो जाए, प्रैक्टिस को जारी रखें। न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज के बाद इस बुक में बताया गया है कि हम अपनी लर्निंग कैपेसिटी, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन पावर्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। आइए इसे जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्या आपको पता है कि मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए सीखने की कला यानी आर्ट ऑफ लर्निंग का आना बहुत जरूरी होता है। सिंपल सी बात है, जब तक आप किसी चीज को सही से समझेंगे ही नहीं तो फिर उसे याद कैसे रख पाएंगे। इसलिए इस एपिसोड में हम सबसे पहले आर्ट ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे। ये आर्ट आपकी मेमोरी पावर को 4 गुना बढ़ाने में हेल्प करेगी। जिस काम को हम पहली बार ठीक से नहीं कर सकते, उसे कई बार करने पर हम उसे अच्छे से समझ जाते हैं और ठीक तरह से करने लगते हैं। इसे ही सीखना या लर्निंग कहा जाता है। जरा सोचिए, अगर हम सीखने की कोशिश कभी करते ही नहीं तो हम अपने जूते भी नहीं पहन पाते और कपड़ों के बटन बंद करने में हमें घंटों लग जाते। हम बाजार जाते लेकिन घर लौटते टाइम रास्ता भूलकर कहीं और ही पहुंच जाते। मगर हम ये सब बड़ी इजीली कर पाते हैं क्योंकि ये सब हम लंबे टाइम से सीखते आ रहे हैं। इसलिए हमारे टाइम की बचत और डेली लाइफ के कामों को इजी बनाने के लिए हमारा सीखने की कला को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग 3 लर्निंग मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं। पहला है प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। दूसरा है सूझ के द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय इनसाइट। और तीसरा है अनुकरण के द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय इमिटेशन। चलिए अब हम इन 3 मेथड्स को थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं।
लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर वाला मेथड हमें ये बताता है कि मानो हम किसी काम को बिना सोचे समझे कर रहे हो और कुछ देर के बाद ही हमारी कोई एक्टिविटी ऐसी हो जाए जो हमारे उस काम को तुरंत कर दे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम किसी ताले को खोलना चाहते हैं लेकिन उसकी सही चाबी का हमें पता नहीं है, तब ऐसी सिचुएशन में गुच्छे में जितनी चाबियां होती हैं उन्हें हम ताले में लगाकर ताला खोलने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ कोशिशों के बाद सही चाबी से ताला खुल जाता है और हमारा काम हो जाता है। इसे ही लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर कहा जाता है। दूसरे मेथड लर्निंग बाय इंसाइट को हमारी अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट के द्वारा सीखना भी कहा जाता है। इसमें हम किसी भी सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और लॉजिकल तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ऐसी जगह पर जाना है जिसकी डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है और उस जगह पर आपको अगले दिन शाम से पहले ही पहुंचना है। तब ऐसी सिचुएशन में आप समय से पहुंचने वाली ट्रेन की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से लेते हैं। आपकी इसी कोशिश को सूझ के द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय इंसाइट कहा जाता है। तीसरा मेथड लर्निंग बाय इमिटेशन यानी किसी को देखकर नकल करके अभ्यास से और किसी के प्रभाव से सीखना है। इमिटेशन या अनुकरण का मतलब होता है किसी को देखकर उसके जैसा ही काम करना। कोई पर्सन सोसाइटी में रहकर अपने से बड़ों से और एक दूसरे से सीखकर उनकी नकल करके ही ट्रेडिशन और रिचुअल्स को फॉलो करना सीखता है। इसके अलावा सोसाइटी में होने वाली कई एक्टिविटीज से प्रभावित होकर भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और यही लर्निंग बाय इमिटेशन कहलाता है। इसके आगे इस बुक में आर्ट ऑफ लर्निंग को डेवलप करने के कुछ टिप्स भी बताए गए हैं। आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज उसी टाइम सीख सकते हैं जब हमारा माइंड उसे सीखने के लिए तैयार होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप घोड़े को नदी के किनारे तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि जब तक उसे प्यास ही नहीं लगेगी तब तक वो पानी कैसे पिएगा। कुछ इसी तरह ह्यूमन माइंड का नेचर होता है, इसलिए किसी भी नई चीज को सीखने के लिए हमेशा खुद को तैयार रखना चाहिए। जिन कामों को हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं उन्हें जल्दी से सीख भी लेते हैं। इसलिए किसी भी काम को सीखने के लिए हमें लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कोई नई चीज सीखते समय हमारे सामने कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आलस, डर, गाइडेंस ना होना और पैसों की कमी। अगर हम हिम्मत से इन प्रॉब्लम्स को फेस करें तो कोई ना कोई सॉल्यूशन भी निकल ही आता है। इसलिए कुछ भी नया सीखते टाइम इन रुकावटों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती, इसलिए आप जब चाहें जो चाहें सीख सकते हैं, क्योंकि हम जितना ज्यादा देखते, सुनते या फील करते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस उतने ही बढ़ते जाते हैं। इसलिए सीखने की प्रोसेस को कंटिन्यू रखकर हमें हर नई बात सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद इस बुक में ऑब्जर्वेशन की बात की गई है। ऑब्जर्वेशन या अवलोकन का मतलब होता है किसी भी टॉपिक, सिचुएशन या बात को अपने मन ही मन में समझना। अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हैं तो आपको ये कला बहुत अच्छे से आती होगी, क्योंकि इस नेचर के लोग अक्सर लोगों से बात करने की बजाय उनको ऑब्जर्व करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह किसी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ऑब्जर्वेशन आर्ट काफी हेल्पफुल रहती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को सही तरीके से ऑब्जर्व करके पढ़ते हैं। अक्सर देखा गया है कि कई बार पढ़ने के बाद भी कुछ लोग एक सेंटेंस की गलती को नहीं समझ पाते। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जिनकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी नहीं होती है उनका ब्रेन उतना तेज काम नहीं करता है, उनके सोचने व समझने की स्पीड कम होती है। ब्रेन की पावर और स्पीड को बढ़ाने के लिए ऑब्जर्वेशन प्रोसेस तेज करना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप करने का एक तरीका यह भी है कि आप हर चीज को बड़े ध्यान से देखें। वास्तव में होता यह है कि जब हम किसी चीज को ध्यान से नहीं देखते हैं तो
तो बाद में हम उसे ठीक ढंग से याद भी नहीं रख पाते। इसलिए किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए आप भले ही टाइम लें, लेकिन उसे पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ ऑब्जर्व करें, ताकि आप उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को समझ सकें। इसलिए अगर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना है तो कुछ प्रैक्टिस से आप इसे कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर खुद को ही देना होगा, जैसे आपके शरीर में ब्लड की क्वांटिटी क्या है, खाने, सोने, आराम करने, खेलने, टीवी देखने और पढ़ने में आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी सैलरी का आप कितना पैसा फिल्म देखने, सर्कस देखने या फिर मेला देखने में खर्च करते हैं, अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने में कितना टाइम लगाते हैं, आपके हिसाब से आपके ब्रेन का वेट कितना होगा, आपके घर से आपके ऑफिस का डिस्टेंस पैदल जाने के हिसाब से लगभग कितने कदम का होगा, आप ज्यादा से ज्यादा कितना वजन उठा सकते हैं। जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढेंगे तो आपके अंदर अपने आप ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप होगी। अब बात आती है इमेजिनेशन यानी कल्पना की। हमारी लाइफस्टाइल को इजी बनाने वाली तमाम चीजें किसी न किसी पर्सन की इमेजिनेशन पर ही बनाई गई हैं। किसी ने सोचा कि रोशनी आसानी से मिलने लगे तो बल्ब का इन्वेंशन हो गया। किसी ने सोचा क्या हो अगर हम इंसान भी चिड़िया की तरह उड़कर झट से कहीं भी पहुंच जाए तो एरोप्लेन यानी हवाई जहाज का इन्वेंशन हुआ। और इसी तरह से न जाने कितने लोगों की इमेजिनेशन से कितने ही इन्वेंशन हुए। इसलिए ब्रेन को एक्टिव करने में इमेजिनेशन पावर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा समझिए कि इमेजिनेशन ब्रेन के लिए एक तरह से फूड है, जिसकी प्रैक्टिस से ब्रेन की एक्टिविटीज और स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है। बिना इमेजिनेशन के किसी नई खोज और उसके रिजल्ट को हासिल करना मुश्किल है। आपकी इमेजिनेशन पावर जितनी ज्यादा क्रिएटिव होगी, आपका ब्रेन उतना ही एक्टिव होगा। इसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि आप जो बनने की कल्पना करते हैं आप वही बन भी सकते हैं। बस अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, जिसमें आपको कुछ ऐसी चीजें इमेजिन करनी होंगी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। गार्डन में खिलते फूल, रेनबो, बरसात, डूबता हुआ सूरज, बचपन का कोई दोस्त, आसमान में उड़ते हुए कबूतर, नीम का पेड़, रात में चमकते सितारे और आपकी फेवरेट ड्रेस तो आपने देखी ही होंगी और इन्हें आप आसानी से इमेजिन भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इन्हें नहीं बल्कि कुछ अनदेखी चीजों को इमेजिन करना है, जैसे दूध दही की नदी, पंखों वाला शेर, कांच का बना ताजमहल, कागज से बना संसद भवन, कुत्तों से बात करती बिल्ली, 40 फुट लंबी चींटी, किसी बड़े चूहे के पीठ पर बैठी छोटी सी बिल्ली, बाइक चलाती परियां, 2 इंच लंबा नारियल का पेड़ और कप में चाय पीती गाय। इन्हें और इनके अलावा कई ऐसी अनदेखी चीजों को इमेजिन करने से आप बहुत क्रिएटिव होंगे और आपकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ने लगेगी। मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए लर्निंग, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन पावर्स तो जरूरी हैं ही, लेकिन इनके साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन पावर का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। आइए इसके बारे में जानते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। आपने ये तो सुना ही होगा कि अच्छी मेमोरी के लिए एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन बेहद जरूरी है। इसलिए इस एपिसोड में हम कॉन्सेंट्रेशन पावर और इसे स्ट्रॉन्ग बनाने वाले कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अपनी सारी फिजिकल और मेंटल पावर्स को अपने गोल या एम पर फोकस कर देना। किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेशन के बिना सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। जब तक हम अपने गोल पर फोकस नहीं करेंगे तब तक हम अपनी पावर्स का भी सही यूज नहीं कर सकेंगे। इसलिए किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। वास्तव में हमारी सारी विजडम कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। अगर आपको जीनियस बनना है तो कॉन्सेंट्रेशन को अपनी लाइफ में ऐड करना ही होगा। हालांकि कॉन्सेंट्रेशन में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, मगर उन्हें प्रैक्टिस के जरिए दूर भी किया जा सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि स्टडी करते समय आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है,
लेकिन जब आप अपने फेवरेट हीरो की मूवी देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं या अपनी फेवरेट बुक पढ़ते हैं, तब उस वक्त आपका पूरा फोकस उन्हीं चीजों पर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा आंसर यह है कि हमें उस टाइम ये सब करना अच्छा लगता है। अगर आप स्टडी टाइम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपको स्टडी करना अच्छा नहीं लगता है। हमें जो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, उनसे हमारा ध्यान हटना नेचुरल है। साइंटिस्ट ने जब कॉन्सेंट्रेशन पर लंबे टाइम तक रिसर्च की, तो ये पता चला कि जिन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उन्हें पढ़ते समय स्टूडेंट्स का ध्यान भटकने लगता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे कि जिन्हें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो था, लेकिन उसके कुछ चैप्टर्स पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। इस पर भी जब उनसे इसका रीजन पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि चैप्टर बोरिंग होने की वजह से ऐसा हुआ था। अब सवाल आता है, चैप्टर बोर क्यों लग रहा था? जब इसकी जांच की गई, तो पता चला कि स्टूडेंट्स उस चैप्टर को समझ ही नहीं पा रहे थे। प्रोफेसर के समझाने का तरीका उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जब उन स्टूडेंट्स को किसी दूसरे प्रोफेसर ने समझाया, तो उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटा। इसका कंक्लूजन ये निकला कि सब्जेक्ट या टॉपिक समझ में न आने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। इसके आगे इस बुक में कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने के कुछ सिंपल मेथड्स के बारे में भी बताया गया है, जिनकी प्रैक्टिस से आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। किसी भी काम को जब तक पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं किया जाता है, तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के लिए कॉन्सेंट्रेशन जरूरी होती है, उसी तरह लाइफ के हर स्टेज में कॉन्सेंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च के हिसाब से डेली 10 मिनट मेडिटेशन यानी ध्यान करने से ह्यूमन ब्रेन में बहुत चेंजेस आते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं। इसलिए आइए जानते हैं कि ध्यान या मेडिटेशन कैसे किया जाए। आप अपने मन में आने वाले थॉट्स को सिर्फ एक बार मेडिटेशन करके नहीं हटा सकते, बल्कि इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, तभी इन्हें रोका जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि मेडिटेशन तो आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें। फिर आप अपना पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस पर लगाएं। अपने मन में आ रहे किसी भी थॉट को इग्नोर करें और इसी तरह इसकी डेली प्रैक्टिस करने से आप मेडिटेशन करना सीख जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए कुछ मेंटल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इन्हें आप घर से बाहर पार्क में, बस में, किसी का इंतजार करते समय या बोरियत से बचने के लिए कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगली सीट पर बैठे व्यक्ति की गर्दन को 5 से 10 सेकंड तक बिना पलकें झपकाए देखें। ध्यान लगाते समय आपका ध्यान बस के शोर, किसी और पर्सन पर या बस के बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आपका ध्यान भटकने लगे, तो दिमाग को बार बार ध्यान लगाने पर जोर दें। आप ये एक्सरसाइज किसी फूल को भी बिना पलक झपकाए देखकर कर सकते हैं। इसी तरह बस या ट्रेन का वेट करते टाइम आप ये एक्सरसाइज बस स्टैंड पर बैठकर किसी पोस्टर या साइन बोर्ड को अपना टारगेट मानकर उसे ध्यान से देखते हुए भी कर सकते हैं। बोरियत से बचने के लिए ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना तो काफी फायदेमंद होता है। जब भी आप बोर हो रहे हो, तो अपने कमरे की किसी भी चीज को अपने मेडिटेशन का सेंटर मान लीजिए। ऐसा करने से आपकी बोरियत तो दूर होगी ही, साथ ही साथ आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर भी डेवलप होगी। इनके अलावा कॉन्सेंट्रेट बने रहने के लिए इस बुक में कुछ और भी सजेशंस हैं, जैसे किसी भी काम को टाइम से कंप्लीट करें। काम अधूरे रहने पर भी कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए किसी भी काम को अधूरा न छोड़े, उसे पूरा करके ही अगला काम करें। टाइम मैनेजमेंट का आपके रूटीन में होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी काम को सेट किए गए टाइम में पूरा नहीं करते हैं, तो इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी पर गलत असर पड़ता है। जब हम अपने किसी पसंदीदा काम को करते हैं,
तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है। इसलिए हमें हर काम को पसंद न होने पर भी उसे इंटरेस्ट के साथ पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे उस काम को आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरा कर लेंगे। इस तरह अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए खुद पर कंट्रोल करना जरूरी है। जब आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपका मन अपने आप ही कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इसके अलावा आप ये जानने की कोशिश करें कि आपका सबसे ज्यादा काम करने में मन कब और किस टाइम पर लगता है, यानी दिन के किस समय पर आपका ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित हो, यानी दिन के किस समय पर आपका ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित होता है, सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात को। अपने शरीर की इस एक्टिविटी को पहचानें और इसी के अकॉर्डिंग अपने सभी कामों को पूरा करें। इन सब के साथ अपने शरीर को भी आराम दें और सही टाइम पर सोने की आदत डालें। यहां तक हमने कॉन्सेंट्रेशन पावर के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी के हिसाब से मेमोरी क्या है? इस बुक में आगे बढ़ते हुए मेमोरी के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है, जिसे हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पहले से सीखे हुए किसी भी काम या एक्टिविटी को रिकॉल करना ही हमारी मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह मेमोरी की प्रोसेस किसी एक्टिविटी को सीखने के बाद उसे दोहराने से रिलेटेड होती है। इस बेसिस पर हमारी मेमोरी दो टाइप की होती है, पहली शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत ही कम टाइम तक चीजों को रिकॉल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हमारा इंटरेक्शन किसी अननोन पर्सन से कराया जाता है तो उसके थोड़े देर बाद ही हम उसका नाम भूल जाते हैं। हाँ, उसका चेहरा तो हमें याद रहता है, लेकिन बाकी डिटेल्स हम भूल जाते हैं। अब बारी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी की। इसमें हम ज्यादा देर तक सीखते हैं, जिससे हमें लंबे समय तक कई चीजें याद रहती हैं, और लॉन्ग टाइम के बाद भी हम उन चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। अगर आप कुछ सालों या महीनों की कोई भी मेमोरी या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखते हैं तो वो सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। इसमें कई सारी जानकारी को याद रखा जा सकता है। इस तरह देखा जाए तो हमारी मेमोरी बस एक मेंटल प्रोसेस है, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। इसमें टाइम के साथ साथ चेंजेस होते ही रहते हैं। चलिए अब जानते हैं मेमोरी के उन फैक्टर्स के बारे में जो मेमोरी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। इस बुक में मेमोरी के चार फैक्टर्स बताए गए हैं। पहला है सीखना, यानी कि लर्निंग। दूसरा है धारण करना, यानी कि रिटेंशन। तीसरा है याद करना, यानी कि रिकॉलिंग। और चौथा है पहचानना, यानी कि रिकॉग्निशन। कोई भी नया काम देखकर पहले हम सीखते हैं, उसके बाद याद करते हैं। बिना सीखे और प्रैक्टिस किए कोई भी काम करना पॉसिबल ही नहीं है। हम उसी टॉपिक को रिमेंबर कर सकते हैं जिसे हम पहले से ही सीख चुके होते हैं, मगर किसी भी चीज को केवल सीख लेना काफी नहीं है। सीखने के बाद हमारे माइंड में उस एक्टिविटी से जुड़ी फीलिंग का रिटेंशन भी जरूरी है। रिटेंशन के बाद किसी भी चीज को रिकॉल या याद करना और फिर उसे रिकॉग्नाइज करना या पहचानना भी हमारी मेमोरी का ही पार्ट है। आइए हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जानते हैं जो गुड मेमोरी के लिए आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है वेज ऑफ रिड्यूसिंग फॉरगेटिंग, यानी भूलने की आदत कम करने के उपाय। भूलना गलत नहीं है, बल्कि जरूरी चीजों को सीखने के लिए यह बेहद जरूरी है। अगर हम किसी चीज को भूलेंगे ही नहीं तो बेकार की बातें हमारे मेमोरी बैंक में जमा होती जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे मेमोरी बैंक में अच्छी चीजों को याद करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, और बेकार की बातें बार बार हमारे मेमोरी बोर्ड पर आकर हमें परेशान करेंगी। आपके मन में यह क्वेश्चन जरूर आता होगा कि क्या मेमोरी को सुधारा जा सकता है, तो यहां यह समझना जरूरी है कि साइकोलॉजिस्ट इसका आंसर नहीं में देते हैं, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिससे व्यक्ति अपनी मेमोरी को उतना ही डेवलप कर ले जितना कि एक रेसलर या पहलवान अपनी बॉडी का करता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसे रूल्स जरूर बताते हैं
जिनकी प्रैक्टिस से हम कम मेहनत और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स या कंटेंट को याद रख सकते हैं। जिसमें पहला रूल है हैव इंटेंशन टू लर्न, यानी सीखने का इरादा होना। जब तक आप किसी चीज को याद करना जरूरी नहीं समझेंगे तब तक वो चीज आपको कभी याद नहीं होगी। वैसे कुछ लोग इसे माइंड की वीकनेस बताते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आप में किसी चीज को सीखने का इंटेंशन होगा तो ही आप उसे याद कर पाएंगे। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सीखने के इंटेंशन से किया जाने वाला काम कम टाइम में सीखा जा सकता है। इसके अलावा उसे लंबे टाइम तक याद भी रखा जा सकता है। दूसरा रूल है पे क्लोज अटेंशन, यानी करीब से ध्यान देना। किसी भी चीज को सीखते टाइम उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने पर कोई भी टॉपिक कम टाइम में अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। क्लास में टीचर की बातों को अक्सर हम भूल जाते हैं। इसका मेन कारण यही है कि हम उस टाइम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए अच्छी मेमोरी के लिए ध्यान की एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। तीसरा रूल है मैक्सिमम यूज ऑफ इमेज, यानी दृश्यों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को सीखने के लिए इमेज या फोटो का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। इस तरह किसी चीज को याद करना बहुत आसान हो जाता है। आप ये बात जानते ही हैं कि किसी मूवी या सीरियल के सीन हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और इनकी मेमोरी हमारे मेमोरी बोर्ड पर काफी दिनों या कई सालों तक भी बनी रहती है। इसके आगे इस बुक में कुछ ऐसी बेसिक एक्टिविटीज के बारे में भी बताया गया है जो गुड मेमोरी के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, जिनमें पहली है अनुभूति या फीलिंग। फीलिंग्स हमारे लाइफ में बहुत मायने रखती हैं। ये फीलिंग का ही कमाल है कि हमारी समझ और परख अच्छे से काम करती हैं। अपनी फीलिंग या नॉलेज की कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए आप एक प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप जब भी मार्केट जाएं तो कुछ देर तक किसी ऐसे शोरूम के बाहर रुकें जिसकी शो विंडो में डेकोरेटिव आइटम्स रखे हों। आप उन्हें 2-3 मिनट तक बड़े ध्यान से देखें और फिर घर आकर एक नोटबुक में उन्हें नोट कर लें। अगले दिन जब आप उस शोरूम के सामने से गुजरेंगे तो ये जानने की कोशिश करें कि जिन आइटम्स को आपने ध्यान से देखा था वो अब भी वहां पर है या उन्हें कहीं और रख दिया गया है। कुछ दिनों तक आप लगातार ये प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी आंख ऑब्जर्वेशन के लिए पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। दूसरा, अब बारी आती है अभिरुचि यानी इंटरेस्ट की। हमारी मेमोरी पावर को डेवलप करने में इंटरेस्ट का भी रोल होता है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारा ये क्यूरियस नेचर भी हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजों में इंटरेस्ट लेते रहना चाहिए, जिससे हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी। तीसरा, अब तीसरी एक्टिविटी है रिदम मेथड का यूज करना। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमें मार्केट से कुछ सामान खरीदना होता है तो हम सामान की एक लिस्ट तैयार करते हैं, लेकिन जब मार्केट में पहुंचकर हमें पता चलता है कि हम सामान की लिस्ट घर पर ही भूल आए हैं तब हमें उसे याद करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। इसलिए अब जब भी आप मार्केट में किसी सामान की खरीदारी करने जाएं तो राइम मेथड का यूज जरूर करना। इसकी प्रैक्टिस से आपको सामान की लिस्ट तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि आपको बाजार से कुछ 5 या 10 आइटम्स खरीदने हैं, जैसे पेन, पेपर, नोटबुक, वॉच, बिस्किट, नेल पॉलिश, बल्ब, चाय पत्ती और चार्जर। अब आप इन सभी चीजों को राइम करके याद करिए। इन सभी सामानों को आपस में अपने मन में किसी भी तरीके से जोड़िए और एक स्टोरी बना लीजिए, या फिर आप इसे एक सॉन्ग की तरह भी याद कर सकते हैं, जिससे इन सामानों की लिस्ट आपको आसानी से याद हो जाएगी। चौथी एक्टिविटी है यूज ऑफ सेंसेस, यानी इंद्रियों का उपयोग करना। सेंसेस का यूज भी हमारी मेमोरी पावर को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसलिए जो कुछ भी हमें अपने मेमोरी बैंक में जमा करना है उसे हमें बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना चाहिए।
साथ ही कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद हो और जिसकी खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती हो, उसे भी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि अपनी इमेजिनेशन से ही आप अपने मन में उसे डिटेल्ड फॉर्म में देख सकें। उससे रिलेटेड स्मेल और टेस्ट को महसूस करिए। आमतौर पर किसी भी टॉपिक या ऑब्जेक्ट को याद करते या सीखते टाइम हम अपनी सेंसेस का यूज करते हैं, जिनमें देखने की इंद्री यानी सेंस ऑफ विजन, सुनने की इंद्री यानी सेंस ऑफ हियरिंग, सूंघने की इंद्री यानी सेंस ऑफ स्मेल, चखने की इंद्री यानी सेंस ऑफ टेस्ट, स्पर्श की इंद्री यानी सेंस ऑफ टच और गति संवेदन की इंद्री यानी सेंस ऑफ किनेस्थेसिया शामिल होती हैं। आपने कई बार ऐसा फील किया होगा कि जब आप अपने किसी पुराने परफ्यूम को स्मेल करते हैं या अपने बच्चों के किसी फेवरेट स्नैक्स को खाते हैं, तो आप कुछ सेकंड्स के लिए अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। आपको उस टाइम की बहुत सारी मेमोरीज एकदम से याद आने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी सेंसेस हमेशा एक्टिव रहती हैं। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि फेसेस और नेम्स को कुछ ट्रिक्स के साथ कैसे याद किया जा सकता है। जरा सोचिए कि अगर आप एक वर्किंग पर्सन हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या फिर कोई डॉक्टर, तब आपको अपना कोई स्टूडेंट या पेशेंट मिलता है जिसे आप बाय फेस जानते हैं, लेकिन आपको उसका नाम याद नहीं आ पा रहा हो और आप अपनी वाइफ या हस्बैंड या फ्रेंड से उसका इंट्रोडक्शन भी नहीं करा पाते, तब आपको बहुत बुरा लगता है। और इससे भी ज्यादा बुरा ये होता है कि वो स्टूडेंट या पेशेंट ये समझने लगे कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए हमारा नाम और चेहरों को याद रखना बहुत जरूरी होता है। जिन लोगों को नाम और चेहरों को एक साथ जोड़कर याद रखने की आदत होती है, वो बाद में उनका नाम और चेहरा कभी भूल नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि वो एक बार में ही किसी भी पर्सन का नाम और फेस अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। अगर आपको भी अपनी आदत ऐसी ही बनानी है, तो आप जब भी किसी ऐसे पर्सन से मिलें जिसके बारे में याद रखना आपको जरूरी लगता है, तो उसके फेस को ध्यान से देखें। उसकी आंखें और उसके हाव भाव, फेस के निशान, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी चाल ढाल और चेहरे के आकार को ऑब्जर्व करते रहें। इसी के साथ आप उस व्यक्ति की फोटो को नाम के साथ अपनी मेमोरी में कैप्चर कर लें और मन ही मन 2-3 बार उसका फेस और नाम अपनी मेमोरी में रिवाइज कर लें। अगर हो सके तो आप उसके नाम का मीनिंग भी जान सकते हैं। इससे आपको उसका नाम याद रखने में और भी आसानी हो जाएगी। नाम और फेस को याद रखने के लिए आप कुछ और ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे किसी से मिलते टाइम उसकी आंखों का कलर और फेशियल एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, उसके फेस का स्ट्रक्चर, कोई निशान या हेयर स्टाइल को देखें, उसकी कोई खास बात जैसे कॉन्वर्सेशन के टाइम उसका बिहेवियर, उसके चलने, खड़े होने और बोलने का तरीका। उसके फेस को याद रखने के लिए उसकी मेंटल पिक्चर क्लिक करें और अपने माइंड में उसकी पिक्चर को अपनी किसी म्यूचुअल फ्रेंड से जोड़ें जिसकी शक्ल उससे काफी हद तक मैच होती हो। इस तरह यहां पर रिलेशन मेथड आपके बहुत काम आएगा। इन सभी ट्रिक्स के अलावा आप किसी भी पार्टी या गैदरिंग में एक्चुअल टाइम से 15-20 मिनट पहले पहुंचकर कई लोगों से मिल सकते हैं, जिससे आपको ये फायदा होगा कि आप उस पार्टी में आने वाले लोगों को अच्छी तरह से जान लेंगे और उनके फेस और नामों को याद कर सकेंगे। और लेट आने वाले लोगों की तरह आपको 15-20 लोगों से एक साथ इंटरेक्शन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो टाइम से पहले ही पहुंचकर सबसे इंटरेक्ट कर चुके होंगे। अगर हो सके तो जिन लोगों से आप पार्टी में मिले हैं, तुरंत ही उनके नाम और फेस की पिक्चर अपने माइंड में बना लीजिए, यानी उनके नाम और फेस को रिपीट करके सेल्फ टेस्ट कर लीजिए, जिससे आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी और आप लंबे टाइम तक उन सभी नामों और चेहरों को याद रख पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी फंक्शन या पार्टी में जाते हैं, तो आप वहां पर अनजान लोगों से बड़े अपनेपन से मिलते होंगे या बहुत ही फ्रेंकली बात करते होंगे,
लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें भूल जाते हैं। फिर जब उन लोगों से आप कभी दोबारा मिलते हैं तो उनके फेस से तो आप उन्हें पहचान लेते हैं, लेकिन बहुत ट्राई करने पर भी आप उनका नाम याद नहीं कर पाते। अगर एक ही टाइम में आपको 10-15 लोगों से मिलवाया जाता है तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। इसके जस्ट ऑपोजिट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मेमोरी इतनी तेज होती है कि वो उन नामों और फेसेस को कभी नहीं भूलते। अगर आप चाहें तो आप भी कुछ एक्टिविटीज की प्रैक्टिस से अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और लोगों से मिलने पर उन्हें लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। जैसे जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसके नाम को ध्यान से सुनकर मन में उसका नाम का मीनिंग समझिए। तो उसके नाम को ध्यान से सुनकर मन में उसके नाम का मीनिंग समझिए। किसी भी पर्सन से बात करते समय उसका नाम लीजिए और उसके निकनेम के बारे में बात कीजिए। अगर कोई पर्सन एज और पोस्ट में आपसे बड़ा है तो मिलते टाइम आप उनसे उनका नाम रिस्पेक्ट के साथ ले सकते हैं, जिससे बार बार उनका नाम लेने पर ऑकवर्ड या डिसरिस्पेक्टफुल न लगे। किसी गैदरिंग में मिले नए लोगों की पर्सनालिटी की कुछ स्पेशल बातों को अपने ब्रेन स्लेट पर अच्छी तरह से लिख लीजिए। उनकी पिक्चर को अपने माइंड की फाइल में नोट कर लीजिए। मान लीजिए कि किसी पर्सन ने आपको अपना नाम महेश बताया तो आप सोच सकते हैं कि महेश का मीनिंग क्या होता है, भगवान शंकर या शिव जी। उस महेश नाम की पर्सन को आप जटाधारी, गले में नाग डाले, हाथ में त्रिशूल लिए कैलाश पर्वत पर बैठे शिव भगवान के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। इस तरह से ये नाम आपके माइंड में लॉक हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी पार्टी या प्रोग्राम में जाते टाइम अपने अंदर किसी तरह का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेस नहीं आने दीजिए, क्योंकि इन सब के रहने से सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है और बातों को सुनने समझने की पावर कम हो जाती है। जब आप इन सभी बातों पर फोकस करेंगे तो आपको नाम और फेसेस को याद करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप हमेशा इन्हें याद रख सकेंगे। इसके आगे इस बुक में ये भी बताया गया है कि कैसे कुछ टिप्स की हेल्प से बड़े बड़े ऐसे और स्पीच को आसानी से याद किया जा सकता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको जरूरी है कि एग्जाम टाइम में बड़े पैराग्राफ वाले ऐसे याद करने पड़ते होंगे। ये एपिसोड उस एग्जाम टाइम में बड़े बड़े आंसर मेमोराइज करते टाइम होने वाली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। और अगर आप उनमें से हैं जिनकी स्टूडेंट लाइफ ओवर हो चुकी है तो टेंशन मत लीजिए, ये आपके लिए भी है। कई स्टूडेंट्स एग्जाम में पास होने के लिए पैराग्राफ्स का रट्टा मारते हैं, लेकिन बहुत ट्राई करने पर भी वो उसे याद नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही हाल बाकी लोगों का तब होता है जब उन्हें किसी स्पेशल ओकेजन पर अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पर कोई स्पीच देनी हो। आज हम आपको इस एपिसोड में कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जिनसे आप बड़े बड़े ऐसे के साथ स्पेशल इवेंट्स पर बोली जाने वाली स्पीच भी याद रख पाएंगे। आइए आपकी स्टूडेंट लाइफ पर बेस्ड ऐसे से ही हम इस टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ऐसे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि स्टूडेंट लाइफ हमारी लाइफ के बेस्ट पार्ट्स में से एक है। इसकी मेमोरीज तब तक रहती हैं जब तक हम जिंदा रहते हैं। तभी तो कई बार अपने सीनियर लोगों को भी अपने स्टूडेंट लाइफ की बातें करते हुए जरूर सुना होगा। पुराने टाइम में जब लोग घर से दूर आश्रमों में पढ़ा करते थे तब उन्हें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता था। तब स्टूडेंट की लाइफ आग में गर्म किए जाने वाले सोने की तरह होती थी, जो तपने के बाद निखर जाया करते थे। कुछ भी हो, स्टूडेंट लाइफ को हमेशा से ह्यूमन लाइफ का मौज मस्ती भरा और गोल्डन एरा माना जाता है। इसमें उसका मेन मोटिव नॉलेज गेन करना तो होता ही है, उसके साथ साथ वो लाइफ के हर एस्पेक्ट को धीरे धीरे समझने की कोशिश भी करता है। उस टाइम वो जो कुछ सीख पाता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका फ्यूचर शेप लेता है। इसी वजह से अक्सर स्टूडेंट लाइफ को फॉर्मेशन पीरियड भी कहा जाता है। इसलिए उस पीरियड में लोगों को हर तरीके से केयरफुल रहकर डिसिप्लिन्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई गलत इंपैक्ट न पड़े।
और वो एक अच्छा इंसान बन सके। स्टूडेंट लाइफ को गीली मिट्टी के जैसा भी माना जाता है, क्योंकि जैसे गीली मिट्टी से जैसा चाहे वैसा बर्तन बनाया जा सकता है, उसी तरीके से स्टूडेंट लाइफ में भी केयरफुल रहकर एक स्टूडेंट अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। गीली मिट्टी से सुंदर खिलौने, गमले, घड़े और मूर्तियां वगैरह तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन याद रखिए, उसे तोड़ मरोड़ कर मिट्टी में भी मिलाया जा सकता है। स्टूडेंट ध्यान से पढ़ लिख कर और अच्छी बातें सीख कर फ्यूचर में लीडर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सिंगर, डांसर, आर्टिस्ट, एक्टर और एक आइडियल मैन या जो भी चाहे वो बन सकता है। और केयरलेस होकर, यूजलेस बातों में पढ़कर, अपने मेन पर्पस को भूलकर अपने गोल्डन फ्यूचर को मिट्टी में भी मिला सकता है। इन्हीं सब फैक्ट्स के चलते स्टूडेंट लाइफ को ह्यूमन लाइफ का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट टाइम माना जाता है। इसका अच्छी तरह से यूज करके ही एक स्टूडेंट लाइफ टाइम के लिए इसका फायदा ले सकता है और बिना किसी चिंता के भी रह सकता है। इस पूरे ऐसे में से अब हम स्टूडेंट लाइफ के कुछ स्पेशल और मेन पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट लाइफ मौज मस्ती का टाइम होता है। पुराने टाइम में लोग आश्रमों में पढ़ा करते थे और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहते थे। स्टूडेंट लाइफ भले ही फन का टाइम माना जाता है, लेकिन ये स्टूडेंट का फॉर्मेशन पीरियड भी होता है, इसलिए उसे केयरफुल रहना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ गीली मिट्टी की तरह होती है, इससे खुद को कुछ भी बनाया जा सकता है। चलिए अब हम इन मेन पॉइंट्स को मोमेंटो के रूप में अपनी मेमोरी से कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं। मान लीजिए कि जब आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं, तब आपकी मम्मी आपको ब्रेकफास्ट में एक टेस्टी पराठा देती है जिस पर लिखा है स्टूडेंट लाइफ फन की लाइफ है। उसे खाने के बाद आप जब टीवी ऑन करते हैं तो उसमें जू का कोई प्रोग्राम आ रहा है जिसमें एक हाथी डांस करते हुए बोल रहा है, पुराने टाइम में स्टूडेंट्स घर से दूर आश्रमों में पढ़ते थे और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करते थे। तभी आपकी नजर खिड़की से बाहर एक पेड़ पर पड़ती है जो चिल्लाकर कह रहा है कि स्टूडेंट लाइफ भले ही फन है, लेकिन फ्यूचर पर भी फोकस करना है। इसके बाद जैसे ही आप अपने रूम से बाहर निकलते हैं, तब आपके घर का फ्लोर चिल्लाकर कहता है स्टूडेंट लाइफ गीली मिट्टी जैसी है, इससे अच्छा और बुरा कुछ भी किया जा सकता है। फिर आप जैसे ही अपना सिर हिलाते हैं, तभी आपके सामने एक बहुत बड़ा चाकू आ जाता है जो आपसे कहता है कि अच्छी बातें एक स्टूडेंट को अच्छा इंसान बना देती हैं, तो बुरी बातें उसका भविष्य बर्बाद कर सकती हैं। और कुछ इसी तरीके से आप बड़े से बड़े ऐसे या स्पीच को अच्छी तरह से स्टोरी के फॉर्म में मेमोराइज कर सकते हैं। यहां ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे या स्पीच की लैंग्वेज एग्जैक्ट सेम रखें, आप उसे बदलकर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके मीनिंग में चेंजेस नहीं आना चाहिए। आइए अब बात करते हैं ऐसी डाइट के बारे में जो हमारी मेमोरी को बढ़ाने के लिए फायदेमंद होती है। आपको ये तो पता ही होगा कि ह्यूमन डाइट का उसकी मेमोरी से काफी डीप कनेक्शन होता है। जिसका खान पान न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड होता है, उसकी मेमोरी पावर उतनी ही तेज होती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि खाने से मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसका सीधा सा जवाब है बैलेंस्ड। आइए जानते हैं कि बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या होना चाहिए। बच्चों और टीनेजर्स, स्पेशली गर्ल्स को डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। डाइटिंग उनके डेवलपमेंट को रोकती है। इन्हें दूध पीना चाहिए जिससे इनकी ग्रोथ होती है और मेमोरी पावर बढ़ती है। बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए हरी सब्जियां, ताजे फलों और ड्राई फ्रूट्स को खूब खाना चाहिए। इनको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करने से कई डिजीजेस या बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। इसलिए माइंड और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें फ्रूट्स के अलावा कभी कभी उनका फ्रेश जूस भी पीते रहना चाहिए। मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए आपको इन कुछ बातों का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। जैसे रात को 5 बादामों को किसी कांच के बर्तन में भिगोकर रख दीजिए, सुबह उनका छिलका हटाकर उन्हें बारीक पीस लें। इसके बाद इसे 300 ग्राम बॉइल्ड मिल्क में मिक्स कर दीजिए। जब दूध में 3-4 बार उबाल आए
तो उसे नीचे उतार ले। एक चम्मच देसी घी और दो चम्मच शुगर या चीनी डालकर ठंडा करके इसे पिए। इस नुस्खे को अगर मॉर्निंग में खाली पेट लिया जाए तो बहुत फायदा होता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसे कम से कम एक महीने तक यूज करना चाहिए। माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सुबह के टाइम खाली पेट एक आंवले का मुरब्बा यानी गूसबेरी जैम को खूब चबा चबा कर खाइए और इसके एक घंटे बाद तक कुछ भी न खाएं। विटामिनाइज्ड सब्सटेंसेस जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सोयाबीन, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, संतरा, अमरूद, अंगूर, दूध और दालों को खूब खाना चाहिए। इससे माइंड और नर्व फाइबर यानी ज्ञान तंतु हेल्दी होते हैं और एनर्जी बूस्ट होती है। माइंड के डेवलपमेंट के लिए फ्रेश फ्रूट्स के साथ साथ अखरोट, नारियल, लीची को खाना चाहिए, जो हमारी हेल्थ और मेमोरी दोनों के लिए अच्छे होते हैं। फ्रेश और जूसी फ्रूट्स आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स और गंदगी को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तरबूज, पपीता, खरबूजा, आम, अमरूद और अनानास ऐसे ही जूसी फ्रूट्स में आते हैं। मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, लस्सी या मट्ठा, स्प्राउट्स, हरी सब्जियों का जूस, फ्रूट्स का जूस या फिर हल्का फुल्का खाना जैसे दलिया, बॉइल्ड एग्स, दूध और बादाम जैसे इजिली डाइजेस्टेबल और न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। और चाय, बिस्किट, मिठाई, नमकीन, पूरी, कचौड़ी, पराठे या ब्रेड नहीं खाने चाहिए। इसके लिए हम बुक के अकॉर्डिंग आपको कुछ और भी टिप्स बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। जैसे सुबह खाली पेट फ्रेश होने से पहले तांबे के बर्तन में रखा हुआ ठंडा पानी कम से कम एक या दो ग्लास पिए। ब्रश करने के बाद एक ग्लास पानी में एक स्पून हनी और एक नींबू का रस निचोड़ कर पिए। ऐसा करने से बॉडी के सारे डिसऑर्डर या विकार दूर हो जाते हैं और माइंड भी एक्टिव रहता है। एक दिन में दो बार ही खाना खाएं। खाने के साथ सैलड और दही जरूर होना चाहिए। ज्यादा ऑयली खाने को अवॉइड करें। डेली एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज करें। अपने मन को हमेशा खुश रखें और इसी तरीके से इन टिप्स और टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपनी स्पीच या ऐसे को इजीली याद कर सकते हो। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम खूब सारा वर्कलोड होते हुए भी हम अपने टाइम और स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। आज की बिजी लाइफ में लोगों के लिए स्ट्रेस लेना कॉमन हो गया है। वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हमारे लिए ठीक होता है क्योंकि ये हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन जब यही स्ट्रेस स्टडी के रूप में स्टूडेंट्स को घेर लेता है तो उनकी स्टडीज पर काफी बुरा इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि उनका मोस्टली जो टाइम है वो ग्रेड्स और परसेंटेज की टेंशन में ही निकल जाता है। ऐसे ही हमारा टाइम अपने काम को बैलेंस करने और अप्रेजल या प्रमोशन के चक्कर में निकल जाता है। तो चाहे वो स्टूडेंट्स का स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस दूर करने के लिए हो या हम जैसे सभी लोगों का वर्क प्रेशर कम करने के लिए हो, हर एक के लिए इस बुक में कुछ सॉल्यूशन बताए गए हैं जो हम इस एपिसोड में जानेंगे। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है टाइम मैनेजमेंट, यानी अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना। बेटर रिजल्ट के लिए आपको अपने काम या स्टडी पर फोकस करना होगा और उससे पहले ही अगर आप पूरे दिन के टाइम को सोचकर प्लान बना लेंगे तो आपको स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई या अपने काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे। आपको अपने नोट्स और असाइनमेंट तैयार करने का एक सिस्टम तैयार करना होगा जिससे आपको ये पता रहेगा कि आपको आगे क्या करना है। ऐसे में आपकी स्टडी या काम का स्ट्रेस काफी हद तक दूर हो जाएगा क्योंकि आपके पास हर काम की डेडलाइन होगी जिससे काम जल्दी और टाइम पर होगा। सबसे जरूरी है हमेशा पॉजिटिव रहें जिससे आपको अपनी स्टडी में और अपने काम में भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। प्रॉपर नींद लें। अक्सर देखा गया है कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए अच्छी नींद जरूरी होती है, इसलिए आप पूरी नींद लें जो कि 6 से 8 घंटे तक की होती है। इसके साथ साथ आप मेडिटेशन को भी अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए क्योंकि स्ट्रेस दूर करने का एक और सबसे अच्छा तरीका है ध्यान यानी मेडिटेशन।
हमारे आसपास चाहे कितनी भी स्ट्रेस हो और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स का पहाड़ हो, मेडिटेशन इन सभी प्रॉब्लम्स से हमें फ्री करता है। ध्यान को हम खुली और बंद आंख दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर बात करें खुली आंख से ध्यान की, तो अगर आप कुछ देर अकेले में आंखें बंद करके नहीं बैठ पाते हैं, तो आपको आंखें खोलकर किए जाने वाले ध्यान से शुरुआत करनी होगी। आप किसी तस्वीर, मोमबत्ती की लौ या दीवार में लगी कील या ऐसी ही किसी भी चीज पर फोकस कर सकते हैं। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, गर्दन और सिर को सीधा रखें और किसी एक चीज पर अपना ध्यान लगाइए। शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। इसमें हमें कुछ बातों को याद रखना चाहिए, जैसे फोकस को बार बार नहीं बदलें, फेस या आईज पर स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान लोग कुर्सी पर बैठें। इस मेडिटेशन को करने के बाद आप देखेंगे कि आपको नींद अच्छी आ रही है, मन में फालतू के थॉट्स नहीं आ रहे हैं, लेजीनेस, वीकनेस और एंगर को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब बारी आती है आंख बंद करके ध्यान करने की। यह ध्यान आउटसाइड वर्ल्ड से अपने अंदर जाने की यात्रा है। बाहर की दुनिया में जब आप आंखें बंद करेंगे, तो अपने एक अनोखी दुनिया को देख पाएंगे। इस ध्यान की प्रैक्टिस से आप अपना मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर सिर और गर्दन को सीधा रखकर बॉडी को ढीला छोड़ दें और हाथों को घुटने पर रखें। धीरे से आंखें बंद करके अंदर की दुनिया को देखिए और अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को फील कीजिए। इसे करने से आपका स्ट्रेस तो दूर होगा ही, साथ ही आपको कोई बीमारी नहीं होगी और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन इसके लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ध्यान को खाली पेट करने से बेटर रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए इसे खाली पेट करें और इसके आधे घंटे बाद ही कुछ खाएं या पिएं। ध्यान की प्रैक्टिस शांत जगह पर करनी चाहिए, बुखार या बीमारी में ध्यान न करें। स्ट्रेस दूर करने के लिए आप सॉफ्ट सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। स्ट्रेस को भगाने के लिए अपनी किसी फेवरेट कॉमिक बुक को पढ़ें या टीवी पर भी कुछ एंटरटेनिंग देख सकते हैं। इसके अलावा इस बुक में स्ट्रेस या टेंशन से बचने की कुछ और टेक्निक्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि ज्यादा टेंशन होने पर एक लंबी सांस लीजिए, पहले पेट को फुलाइए और फिर उसमें जमा हुई सांस को ऊपर की ओर खिसकाइए। इसके लिए सांस को छोड़े बिना ही फूले हुए पेट को पिचकाने की जरूरत पड़ती है। सांस को कुछ देर के लिए अंदर रोकिए और फिर धीरे धीरे करके बाहर छोड़ दीजिए। इस ब्रीदिंग प्रोसेस में नाक का यूज करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सांस लेने के लिए तो नाक का यूज ही करते हैं, इसमें बताने वाली बात क्या है? तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग आराम के लिए कई बार मुंह से सांस लेना और छोड़ने का काम करते हैं। ये करने से आप ऐसा फील करेंगे जैसे सारी टेंशन चुटकियों में बॉडी से बाहर निकल गई हो। इसके अलावा आप अपनी मसल्स को रेस्ट देने के लिए 3 मिनट की इस प्रोसेस को अपना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे करीब 6 सेकंड तक रोक कर रखिए। इसी बीच आप जितनी मसल्स में टेंशन पैदा कर सकें, अब धीरे धीरे सांस छोड़िए और अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। करीब 20 सेकंड तक इसी तरीके से सांस खींचिए और छोड़िए। अगर आप इस प्रैक्टिस को डेली 2-3 बार करेंगे, तो आपकी टेंशन बिल्कुल गायब हो जाएगी। एक खुला ठहाका मारकर यानी खुलकर हंसने से बड़े तनाव या टेंशन को कम कर सकते हैं। गुनगुने पानी से नहाने पर भी मन शांत हो जाता है। टेंशन या स्ट्रेस दूर करने का ये सबसे पुराना नुस्खा है। काम या पढ़ाई के बाद आप ठंडा पानी या फ्रूट्स का जूस पीजिए। इसके बाद 10 मिनट तक किसी शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठे रहिए। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। स्ट्रेस से निपटने के लिए अपने आप से बात करना भी एक इफेक्टिव तरीका है। अगर आप किसी समस्या पर अपने आप से बात करते हैं, तो
आपके दिमाग से स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। पर ध्यान रहे, आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। आगे बढ़ते हुए इस बुक में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं, हम सबको हमेशा अपने टाइम का हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह वो अपनी स्टडी के लिए और हम अपने काम के लिए पूरा टाइम निकाल सकेंगे, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ टाइम मैनेजमेंट के कुछ ऐसे सजेशन के बारे में। आप डेली के कामों की टू डू लिस्ट बनाना न भूलें। अपने काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोल्स को भी लिखना बहुत जरूरी है। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें लिखें। इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट काम अपने आप ऊपर आ जाएगा। घड़ी की सुई की वो टिक टिक वाली आवाज हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और ये टाइम कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें किसी भी मिनट को बर्बाद न करके उसका गुड यूज करना चाहिए। जैसे बस में बैठे हैं तो कुछ पढ़ें, खाली पीरियड या लंच टाइम में अपने नोट्स पर नजर डालें, खाली टाइम में किसी ऐसे काम की प्लानिंग को शुरू कर दें जिसे करने में टाइम लगता है। इस तरह आपके आने वाले टाइम के कई काम पहले ही पूरे हो जाएंगे। अपने फ्रेंड से या फिर जहां भी जरूरी हो वहां ना कहना सीखें। कई बार ना कहना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको मूवी या कॉन्सर्ट दिखाने ले जाना चाहता है लेकिन वहां से आने में लेट हो सकता है, तब ऐसे में आप तुरंत मना कर सकते हैं। कई स्टडी से पता चला है कि टाइम से कम या पढ़ाई करने से बेटर रिजल्ट आता है। किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ें। टफ टॉपिक्स को पहले पढ़ें, इस तरह मुश्किल काम को पहले करें। एंटरटेनमेंट और रिलैक्स करने के लिए भी कुछ टाइम निकालें। टाइम से खाना खाएं। अपने फ्रेंड्स को अपना टाइम मैनेजमेंट बताएं जिससे वो आपका टाइम बर्बाद न करें और आपसे इंस्पायर हो सके। अपनी एक्टिविटीज को सही तरीके से शेड्यूल करें। काम की टेंशन में टाइम लगाने से अच्छा है कि उसे अच्छे से समझकर पूरा करें। हर काम को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखें और कुछ इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस और टाइम को मैनेज कर सकते हो। अब आइए जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से आपको किस तरह से फायदा मिल सकता है। एग्जाम के लास्ट दिनों में किसी भी स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर पाते उन्हें एग्जाम से डर लगने लगता है और इस डर की वजह से उनका मेंटल स्ट्रेस और नर्वसनेस बढ़ जाती है। इसके अलावा सिर में दर्द, चक्कर आना, मुंह सूखना, मेमोरी का कम हो जाना या फिर थकान दिखाई देने लगती है। इसलिए अपनी स्टडी को डेली टाइम दें, क्योंकि जब आप अपनी पढ़ाई टाइम से पहले ही कर लेते हैं तो आप अपने आप को एग्जाम देने के लिए तैयार कर लेते हैं। ऐसे में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपको किसी भी तरीके का कोई डर नहीं लगता। आपको रेगुलरली स्टडी के अलावा भी कुछ काम करने हैं जो आपको स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस से दूर रखेंगे, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। इसमें कोई झूठ नहीं है कि अगर आप एग्जाम देने से पहले ही अपने सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप में निश्चित रूप से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम देने के लिए आप एक्साइटेड होंगे जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है बीच बीच में ब्रेक लेना। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि दिन भर लगातार पढ़ते रहने से अच्छे नंबर मिल जाएंगे तो ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि लगातार पढ़ाई करने से माइंड स्ट्रेसफुल हो जाता है और ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि आप इस वजह से और याद किया हुआ सब भूल जाते हैं। इसलिए स्टडी के बीच में आपको छोटे ब्रेक लेते रहना चाहिए। ब्रेक लेने से माइंड का स्ट्रेस दूर हो जाता है और माइंड फ्रेश फील करता है। स्टडी ब्रेक के दौरान आप कुछ इजी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे आप खुद को एक्टिव फील करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर से थंब के टिप को टच करें और अपनी पल्स पर फोकस करें। अब अपनी आंखें बंद कर लें और एक मिनट तक बिल्कुल शांत रहकर मन को शांत करने की कोशिश करें। फिर नाक से गहरी सांस लें और उसे मुंह से छोड़ें।
इससे भी आपको काफी हद तक शांति मिलेगी। बेयरफुट यानी पैरों में बिना कुछ पहनकर टहलें, जिससे माइंड फ्रेश रहता है। इसके अलावा आप एक्सपोजर वाली चप्पल पहनकर टहल सकते हैं। सोल्स या तलवों में कई प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, चलते समय इन पर दबाव पड़ता है और ये एक्टिव हो जाते हैं। इससे ब्लड ऑक्सीजन और ग्लूकोज का फ्लो बढ़ जाता है। अपनी फिंगर्स से मेज थपथपाएं, इससे फिंगर टिप्स के एनर्जी पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं। अपनी आईब्राउज के स्टार्टिंग पॉइंट पर यानी अपनी नाक के ऊपर थपथपाने से माइंड को स्पीड से ब्लड मिलने लगता है। नाक के नीचे और लिप्स के ऊपर की जगह पर फिंगर टिप्स से थपथपाने पर माइंड को मेंटल स्ट्रेस से राहत मिलती है। आइए अब जानते हैं हाउ टू अवॉइड द हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग। आपने कई स्टूडेंट्स को अपने भूलने की आदत के कारण परेशान और अपनी मेमोरी को कोसते हुए देखा होगा। उनकी शिकायत ये होती है कि उन्हें फैक्ट्स जल्दी से याद नहीं हो पाते। अगर याद हो भी जाएं, तो वो उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वैसे तो ये बात नॉर्मल है, लेकिन अगर डीपली सोचें तो इन चीजों से एक स्टूडेंट खुद से नफरत करने लगता है और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी उनके भूलने की हैबिट को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। फिर धीरे धीरे ये आदत माइंड में आ जाती है। याद करना माइंड का नेचर है, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। बिना समझे गलत ढंग से याद करने पर न सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, बल्कि याद किया हुआ कंटेंट भी परमानेंट नहीं हो पाता है। यहां हम आपको कुछ ऐसी ही सिंपल बातें बताने जा रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस से आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाकर भूलने की बीमारी को दूर भगा सकते हैं। सबसे पहले अपने गोल को याद रखें। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपना हर काम गोल पर फोकस करके ही करना है। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपके मन में आपके गोल के लिए इंटरेस्ट आएगा और आप जब भी पढ़ेंगे तो वो सारा मैटर या कंटेंट आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जिस काम को आप मन लगाकर करेंगे, वो चाहे कितना कठिन क्यों ना हो, आपके लिए सरल हो जाएगा और आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई से प्रेम करते हैं, जिस चैप्टर को याद रखना चाहते हैं, वो उसमें ग्रेट इंटरेस्ट लेते हैं और फैक्ट्स को समझकर याद करते हैं, तो उन्हें वो ज्यादा टाइम तक याद रहता है। मेंटली काम रहें। घबराहट, परेशानी, मेंटल स्ट्रेस और डर से मेमोरी कमजोर बढ़ जाती है। आपका मन जितना काम, स्टेडी और खुश होगा, आपकी मेमोरी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। मन को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने और समझने से चैप्टर जल्दी याद होता है, इसलिए आप हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहें। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को समझें। कोई भी टॉपिक याद करने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लें। टॉपिक या सब्जेक्ट को समझकर याद करने से वो जल्दी लंबे टाइम तक आसानी से याद रहता है, जबकि बिना समझे बस तोते की तरह रट लेने से उसे हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं और उस पर आपकी गई सारी मेहनत बेकार चली जाती है। अब आपको याद रखना है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। एग्जाम की डेट अनाउंस होते ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। स्टूडेंट के ठीक ढंग से एग्जाम की तैयारी न करने की वजह से उन्हें एग्जाम में मनचाही सक्सेस नहीं मिल पाती है। स्टडी में अच्छे रिजल्ट के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है, जैसे स्टडी की तैयारी करते समय स्टूडेंट को टाइम टेबल बनाकर पढ़ना चाहिए। हर सब्जेक्ट को समझने के लिए नोट्स जरूर बनाएं। इससे अच्छी तरह से कोर्स का रिविजन हो जाता है। टफ टॉपिक्स से बिना घबराए उनको ज्यादा टाइम देकर पढ़ाई करें। सब्जेक्ट को रट्टा मारने से अच्छा है उसे डीपली समझना। अगर उसे अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो वो लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए किसी भी टॉपिक को रटने के बजाय उसकी गहराई में जाकर उसे समझने की कोशिश करें। किसी भी टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत हो तो आप फौरन उस सब्जेक्ट के टीचर से मिलकर उस टॉपिक को समझें, क्योंकि अगर आपने अपना कोई डाउट क्लियर नहीं किया तो बाद में आपको उस टॉपिक से परेशानी होगी। एक बात आप जरूर याद रखें कि यदि आपने इस मामले में जरा भी लापरवाही बरती
तो वह शंका आपको हमेशा परेशान करेगी। अगर आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो प्रश्नों के उत्तर लिखें और उन्हें बार बार पढ़ें। सिर्फ पढ़ने से ही 50% उत्तर याद रहता है और अगर लिख लिख कर याद किया जाए तो वो पूरी तरह से याद हो जाता है। हमेशा बैठकर पढ़ाई करें, क्योंकि जो लोग लेट कर पढ़ते हैं उन्हें ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि लेट कर पढ़ाई करने से आंखों पर जोर पड़ता है, इसलिए पढ़ने के लिए टेबल और चेयर का ही यूज करें। इस बात का ध्यान रखें कि पढ़ाई के समय रोशनी आंखों पर न पड़े, रोशनी हमेशा बुक पर पड़नी चाहिए और इसके लिए टेबल लैंप का इस्तेमाल करना चाहिए। कई घंटों तक बैठकर पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। एक या आधा घंटा पढ़ने के बाद 5-10 मिनट के लिए आराम करना चाहिए, इसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। इस 5-10 मिनट के लिए चेयर से उठकर कमरे के बाहर या कमरे के अंदर टहलें, जिससे हाथ पैर और शरीर की जकड़न दूर हो जाएगी और फ्रेश फील करने के लिए चेहरे और आंखों पर पानी के छींटे मारने चाहिए। आपने अपनी मम्मी या अपने पापा से ये तो जरूर सुना होगा कि देर रात तक पढ़ाई करना अच्छा नहीं होता, इसलिए रात में समय से सो जाएं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि रात भर माइंड सेल्स रिलैक्स कर चुकी होती हैं, जिससे माइंड एक्टिव रहता है। एग्जाम हॉल में एग्जाम देते वक्त मानो टाइम जैसे उड़ता चला जाता है। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए आंसर लिखने की स्पीड को बढ़ाने की जरूरत होती है। इसकी तैयारी पहले से करनी जरूरी होती है और कुछ इस तरह आप एग्जाम के लास्ट डेज में खुद को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये टिप्स स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी फॉलो कर सकता है और अपने काम में अपनी परफॉर्मेंस को पहले से बेहतर बना सकता है। एक पर्सन के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना मायने रखता है ये तो आप पहले के एपिसोड में सुन ही चुके होंगे, लेकिन इसे ही थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए चलिए सुनते हैं अगला एपिसोड। महात्मा गांधी ने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कहा है, आत्मविश्वास का अर्थ है अपने काम में अटूट श्रद्धा। जॉनसन ने इसके बारे में कहा है, महान कार्य करने के लिए पहली जरूरी चीज है आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इमर्सन ने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा कि आत्मविश्वास सफलता का प्रथम रहस्य है। ये सभी डेफिनेशन हमें बताती हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ह्यूमन के लिए कितना जरूरी है। जैसे स्टूडेंट्स में आपने अक्सर ये देखा होगा कि वो साल भर बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स पास आने लगते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नर्वसनेस की वजह से डगमगाने लगता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम अब आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक अमित नाम के एक लड़के ने पूरे साल दिन रात पढ़ाई की, लेकिन एग्जाम हॉल में पहुंचते ही उसे बुरी तरह से घबराहट होने लगी। उसका मन हुआ कि वो वहां से वापस चला जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। समहाउ उसने वो एग्जाम दिया और फिर जब रिजल्ट आया तो उसके मार्क्स बहुत कम थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमित को एग्जाम के दिनों में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टिक नहीं पाया। अगर अमित ने एग्जाम के पास आने पर बिना किसी टेंशन के पढ़ाई की होती तो हमेशा टॉपर रहने वाला अमित कभी इतने कम मार्क्स नहीं लाता। एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम्स सिर्फ अमित को ही नहीं बल्कि हर तीसरे स्टूडेंट को होती है, लेकिन जो इन प्रॉब्लम्स पर कंट्रोल कर लेते हैं वो एग्जाम रिलैक्स होकर देते हैं, और जो टेंशन की वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं वो कम मार्क्स ही ला पाते हैं या फिर एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अगर आप में भी ये कमी है तो आप इस एपिसोड को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले कई टिप्स बताई जाने वाली है। चलिए उन्हें समझते हैं। आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में जब लोग वॉर के लिए जाते थे तो वो पहले अपने दुश्मन को जान लेते थे, जिससे उन्हें उसके बारे में हर अच्छी और बुरी बात का पता चल जाता था और वॉर के टाइम उससे जीत भी सकता था। आप अपने दुश्मन को जाने बिना कभी भी हार नहीं सकते, और अगर आप नेगेटिव वाइब्स के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना चाह रहे हैं तो आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं।
इसलिए पहले खुद को जानें, अपने थॉट्स को सुनना सीखें और उन्हें नोट करके एनालाइज करें कि आपकी सोच आखिर नेगेटिव क्यों है। इसके बाद अपनी उन कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके अंदर डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव रहें, सभी लोगों से पॉजिटिव वाइब्स के साथ मिले। ऐसा करने से आपके सारे काम एनर्जी और जोश से होंगे, जिससे जल्दी ही आपको अपने अंदर भी एक डिफरेंस फील होने लगेगा। किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहें। अगर आपको लगता रहेगा कि आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? किसी एग्जाम के बारे में सोचें जो बहुत टफ होने पर भी आपने दिया। अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट न होने के बाद भी आपने उस एग्जाम की तैयारी की और एग्जाम दिया जिसमें आप अच्छे मार्क्स से पास हुए। अपने मन में ऐसी पॉजिटिव सोच रखेंगे तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑफ कोर्स इससे आप में चेंजेस बहुत स्लोली आएंगे, लेकिन आपकी इमेज और पर्सनालिटी में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। किसी भी ह्यूमन में कैपेसिटी और स्किल धीरे धीरे बढ़ती है। अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो छोटी स्टोरीज, ब्लॉग्स और फ्रीलांस राइटिंग से स्टार्ट करें। आप जितना लिखेंगे आपकी राइटिंग या लेखन में उतना ही निखार आएगा। इसके लिए हर रोज दिन में आधा घंटा लिखने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी क्षमता यानी कैपेसिटी बढ़ेगी और आपके पास लिखने की एक अच्छी स्किल होगी। किसी भी काम को अवॉइड ना करें जब तक वो गलत ना हो। जिस काम को आप काफी दिनों से अवॉइड कर रहे हो उसे सबसे पहले निपटा दें। इससे आपको माइंड में बहुत अच्छा और लाइट फील होगा। हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करें। कुछ न करने से बेटर है कि कुछ करते रहें, क्योंकि नए नए काम करने से मिस्टेक्स तो होंगी लेकिन वो भी आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाएंगी। ये भी लाइफ का ही एक पार्ट है। किसी भी बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट को करने में बहुत प्रॉब्लम आती है तो उसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना उसे आसान बना देता है। जैसे किसी प्रोजेक्ट को आपको एक महीने में कंप्लीट करने का टास्क मिला है तो उसे आप शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर लें। जैसे कितने दिन तक आपको उस प्रोजेक्ट का पहला पार्ट करना है, फिर दूसरा और तीसरा। इसी तरीके से आप टाइम से पहले अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। जब वो काम पूरा होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस पर फोकस्ड होना सीखें। अगर आप सोचते हैं कि मैं मोटा और आलसी हूं तो इस प्रॉब्लम पर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। जैसे आपको ये सोचना चाहिए, मैं खुद को मोटिवेट कर सकता हूं, और आप अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करने का सोचें और उनको टाइम से करें। ऐसा करने से आपका टाइम भी बचेगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमेशा खुद को खुश रखें। ये बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन इसकी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। व्यायाम या एक्सरसाइज भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको फिट रखने का काम करती है। आप वीक में कुछ दिन घूमने के लिए जरूर जाएं। इससे आप खुद अपने अंदर डिफरेंस फील करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का एक और सबसे अच्छा तरीका है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होना। इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए आप इंटरनेट या सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। यहां पर आप दुनिया भर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। इसके अलावा आप बुक्स, जर्नल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से भी हेल्प ले सकते हैं और कुछ इन्हीं टिप्स के जरिए आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अरुण सागर की लिखी इस बुक इंप्रूव योर मेमोरी पावर के एक्सप्लेनेशन